नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी श्रृंखला में मैं वीरेन बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिज्ञा पूर्ति। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। अर्जुन की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में हार गए थे, तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का? शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में बिताना पड़ेगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। अब तो यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने बैठे हुआ है, पर वह अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरें? मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। कर्ण को युद्ध मरते देखकर कृपाचार्य झल्ला कर बोले, कर्ण मूर्खता की बातें ना करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आया आ गया। वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं है। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। ना मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं इस कारण है। जो भी हो, मैं अकेला ही डटा रहूंगा। जब कर्ण ने आचार्य की यो चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रह गया। वह बोला, कर्ण क्या तुमने कुछ नहीं है और पूरी डींगे मारने में समय गंवा रहे हो? इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। यह देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए। वह बोले, यह आपस में वैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीम दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य के गत वर्ष महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गंडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना कि पांडव के साथ संधि कर लें या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडव को देने के लिए तैयार नहीं। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह की रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े कि उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देख कर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरीके से घायल करके मैदान से भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होकर देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हड़कर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। पांचों महारथी इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती? सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा।
पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया था, उससे दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई है, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं, इस विजय का यश तुम्हें को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर बहनला का वेश धारण किया कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठा कर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्हें विराट नगर की कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय होगी। तो इस तरीके से ये कहानी हमारी यही समाप्त होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे विराट का भ्रम, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जो भी डाउट है कमेंट के माध्यम पूछते रहिए। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते चलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।